हेलो 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 गाइस, मैं हूँ सैंडमैन और आज मैं अपने जीटीओ को बदसूरत तो नहीं, मतलब थोड़ा खूबसूरत से और बेटर खूबसूरत बनाने की कोशिश करूँगा। मुझे अभी हाल ही में पता चला है कि एक नेचुरल विजन इवॉल्व का बेटा टेस्टिंग मॉड आ रखा है, ग्राफिक्स का ही मॉड है वो, और उसको मैं अपने GTA 5 में इंस्टॉल करूँगा और उसके बाद टेस्ट करूँगा कि वो कैसा है, और उसके बाद देखूँगा और अपने व्यूज़ दूँगा उस पर कि वो कैसा है। और सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि जो मेरा GTA 5 है वो कैसा लग रहा है देखने में, तो कुछ मिनट की आप ये भी गेम प्ले देख लीजिए कि एक्चुअली वो वेनीला GTA 5 कैसा लग रहा है बिना मॉड के। तो भाई मॉड इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको अपनी ग्राफिक सेटिंग दिखा देता हूँ। ये ऑलरेडी अल्ट्रा पे है, तो इससे बेस्ट सेटिंग मेरे कंप्यूटर में नहीं हो सकती इस गेम की। तो चलिए हम लोग मॉड इंस्टॉल करते हैं और फिर आते हैं गेम के अंदर देखने कि वो गेम कैसा लग रहा है। लेट्स गो। तो गाइस, इस मॉड को इंस्टॉल करने के लिए पहले हमें 4 ऐप्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो उन चारों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। पहला है ओपन 4, दूसरा हमारा आएगा स्क्रिप्ट हुक वी, जो कि आप डाउनलोड कर लेना यहाँ से। तीसरा हमारा जो एक्चुअल मॉड है हमें इंस्टॉल करना होगा यहाँ पे, इसमें जाके आप ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 पे क्लिक करके नेचुरल विजन इवॉल्व पे जब आप क्लिक करेंगे व्यू पे, तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे जब ये खुलेगा तो ऐसे डाउनलोड कर लेना। 9.13 GB की है आसपास ये फाइल, तो मेमोरी होनी चाहिए। और एक लास्ट में सिंपल सा ट्रेनर हमें डाउनलोड करना है। तो ये सारी 4 चीज़ें हमें डाउनलोड करनी होंगी, और उसके बाद जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा ये, और इन्हें आपको सबको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी पहले से एक्सट्रैक्ट करके रखा है, तो मैं ये खोल के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ऐसे जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ऐसे फोल्डर होंगे, और ये यहाँ पे अभी जो मैंने फोल्डर है राइट साइड पे, ये GTA 5 का ओरिजिनल फोल्डर है जहाँ पे गेम इंस्टॉल्ड है। देखो GTA 5 EXE भी है, तो यहाँ से भी हमें कुछ फाइल्स कॉपी करनी पड़ेंगी। सबसे पहले हम ओपन 4 वाला जो है इसको इंस्टॉल कर लेंगे, तो ये मैं जल्दी से इंस्टॉल कर लेता हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ ये है कि आप इसकी जो लोकेशन इंस्टॉलेशन वो चेंज नहीं कर सकते, तो वो एज़ इट इज़ ही रहेगी, तो उसको वैसे ही रहने देना। बाकी आप जो है इसको इंस्टॉल कर देना।
कुछ डाउनलोड करने के लिए बोलेगा तो कर देना भाई, इंस्टॉल कर लेना उसको चुपचाप जल्दी से। हाँ तो अब ये इंस्टॉल हो गया, इसको हम क्लोज कर देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सर्च करके ओपन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है हमें। तो ओपन फॉर मैंने सर्च किया और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करूँगा तो ये प्रॉम्प्ट आ गया, काली स्क्रीन आपको दिख रही होगी, इसको मैंने यस किया तो ये हमारा खुल गया। और उसके बाद ये हमारी गेम की ब्राउज़ की डायरेक्टरी पूछ रहा था तो मैंने गलती से उसको क्लोज़ कर दिया। एक्चुअली मैं भी पहली बार ही इंस्टॉल कर रहा था ये इसको। तो जब आप इसको ओके करेंगे और दोबारा प्रॉम्प्ट आएगा तो यहाँ पे आपको उसकी डायरेक्टरी डाल के यहाँ पे विंडो सेलेक्ट करने के बाद अपना गेम जहाँ पे इंस्टॉल्ड है, तो मेरे में जी और जी टी ए 5 नाम का फोल्डर है तो यहाँ पे हमें इसको सेलेक्ट करना है इस फोल्डर को। और उसने देखो बोल भी दिया कि हाँ इससे अपना काम चल जाएगा, फिर करो कंटिन्यू और बैकअप करने के लिए बोल रहा है, ये सब छोड़ो भाई, होगा तो दोबारा रीइंस्टॉल कर लेंगे गेम। और फिर ये कुछ करने लगता है तो इसका वेट करो। सर्चिंग इनक्रिप्शन की, हाँ तो उसके बाद यहाँ पे हमें जब ये ऐसे खुल जाएगा ना, एज एडमिनिस्ट्रेटर हमने किया था तो इसमें आपको देख लेना कि आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेस है या नहीं। देखो मेरे में GTA 5 वाले फोल्डर में इसके पास ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटर का एक्सेस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हमें टूल्स में जाके 2-3 टूल्स इंस्टॉल करने होंगे ASI मैनेजर के अंदर। तो ये एक ASI लोडर है, ओपन फोर्स और ASI, ये तीनों इंस्टॉल करने। ये आपसे पूछेगा कि मॉड फोल्डर बनाना है या नहीं, तो इसको बना देना, ओके कर देना, यस क्रिएट भाई करो यार, यस। हाँ उसके बाद ओपन कैमरा है, इसको भी इंस्टॉल करके क्लोज कर दो। तो यहाँ पे हमारा ओपन फोर वाला काम तो हो गया इंस्टॉलेशन का और यहाँ पे बाकी सब सही है। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमारे पास जो स्क्रिप्ट 5 था उसके हमें ये दो फाइल्स कॉपी करके गेम डायरेक्टरी के अंदर पेस्ट करनी है, तो ये भी यूज़ होता है किसी तरीके के लिए, तो कॉपी एंड रिप्लेस कर दो। और फिर बैक अगर हम जाएंगे, बैक जाओ भाई, फिर और बैक जाओ। हाँ उसके बाद ट्रेनर की भी हमें दोनों फाइल्स कॉपी और पेस्ट करनी है यहाँ पे, ये दो फाइल्स जो मैंने की है वही आप करना। उसके बाद हमें जाना है नेचुरल विजन इवॉल्व फोल्डर में और यहाँ पे दो फाइल्स हैं देखो, Part 1 और Part 2, ये दोनों हमें इंस्टॉल करनी है। तो जिस वीडियो में मैं देख रहा था इंस्टॉलेशन के लिए, उसने पहले एडिट मोड पे ओके किया था, यहाँ पे एडिट मोड ओके है, उसके बाद हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करके इंस्टॉल कर रहा था वो। तो यहाँ पे मैं भी ड्रैग एंड ड्रॉप करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन इंस्टॉल नहीं हो रहा था मेरे में। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि भाई एडिट मोड दोबारा ट्राई करो कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गया इसमें, लेकिन ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था। फिर मैंने सोचा भाई डायरेक्ट क्लिक करके ही कर लेते हैं, तो डबल क्लिक किया मैंने, अपने आप ही इंस्टॉल होने लगा वो। तो ऐसे भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जब पहला Part 1 हो जाता है फिर मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। ये जैसे इंस्टॉलेशन का आया, इंस्टॉल कर दो, मॉड्स फोल्डर में इंस्टॉल करना भाई मॉड्स सारे, ताकि बाद में डिलीट करने में आसानी हो, बाद में नहीं तो वो एक ही में मिक्स हो जाते हैं, फिर दोबारा रीइंस्टॉल करना पड़ता है गेम। अभी भी इंस्टॉल ही हो रहा है, व्हाट द फकिंग हेल ब्रो, शिट। ओके हाँ हो गया। तो उसके बाद जब ये हो जाए तो क्लोज कर देना। उसके बाद दूसरे वाले को जो है इंस्टॉल ऐसे ही करना, इसके लिए भी वेट करना जितनी देर में होगा ये, तो वेट ही कर लेते भाई। इंस्टॉल पे क्लिक करो, हो गया ये भी इंस्टॉल, और इसके बाद इसे करो क्लोज। उसके बाद हमारा जो ये रीशेड शेडर वाला है फोल्डर, इसको पूरा कॉपी करके हमें गेम डायरेक्टरी, जो GTA 5 की डायरेक्टरी थी गेम जहाँ पे इंस्टॉल्ड हो रखा है, वहाँ पे पेस्ट कर देना। तो इसके बाद अपना काम हो जाना चाहिए भाई पूरा। और हाँ कुछ ऑप्शनल भी हमारे पास मॉड्स हैं, जैसे परफॉर्मेंस बूस्ट का हो गया, मोशन ब्लर इन्हेंस करने का हो गया, तो इसमें से आपको जो पसंद आए वो आप जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक आध मॉड कर देता हूँ, जैसे ये है परफॉर्मेंस बूस्ट का, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। इस मॉड इन ऑप्शनल में एक फ़ायदा और भी है कि अनइंस्टॉल का अलग से दिया हुआ एक फाइल, तो वहाँ पे हम लोग डबल क्लिक करके उसे अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो जो भी मैं इंस्टॉल करूँगा सब मॉड फोल्डर के अंदर ही इंस्टॉल करूँगा। तो 2-4 जो मेरे समझ में आए मैंने वो इंस्टॉल कर दिए थे अपने हिसाब से, तो उसको मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। और अगर आपको चाहिए तो आप सारे चाहे तो, या अपनी मर्ज़ी से जो करना चाहो वो इंस्टॉल कर सकते हो।
तो गाइज इतना सब करने के बाद आपका मॉड इंस्टॉल हो जाएगा, और इसके बाद आपने ये गेम जहाँ पे भी इंस्टॉल किया हुआ था, स्टीम पे, एपिक पे, वहाँ से आपको इसको ओपन करना है। तो मैंने एपिक पे किया था, तो वहाँ पे जाके मैंने इसको ऑन किया, और जब ये गेम बूट होगा पहली बार तो आपको वो नेचुरल विजन इवॉल्व्ड का इंट्रोडक्शन भी दिखेगा। तो वो देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि हाँ भाई इंस्टॉल हो गया है फाइनली। तो जो मेरा सिस्टम है वो वैसे तो अल्ट्रा पे चला रहा था GTA 5 को, लेकिन ये इंस्टॉल्ड होने के बाद वो थोड़ा लैग करने लगा। तो मैंने फिर भी परफॉर्मेंस टेस्ट किया थोड़ा सा, थोड़ी देर मैंने खेला इसको, और वही आगे मैं आपको दिखाता हूँ क्लिप्स जो मैंने खेले और रिकॉर्ड किए हैं। तो इसमें परफॉर्मेंस का तो ड्रॉप हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत 19-20 का डिफरेंस आया है ग्राफिक्स में। इतना कोई बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं हो गया ग्राफिक जैसा मुझे लगा था कि हो जाएगा, लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें यह है कि कम FPS में खेलने में गेम बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो मैंने क्या किया कि थोड़ी सी सेटिंग अपने सिस्टम की कम की, मतलब कि इन गेम सेटिंग कम की, ताकि थोड़ा ये ऑप्टिमाइज हो सके। और पूरी तरीके से इस मॉड को टेस्ट करने के लिए मैंने सारे ऑप्शनल जितने भी थे मॉड्स वो सारे इंस्टॉल किए, और अपनी सेटिंग मैंने ये कर दी जो अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रही होगी। काफ़ी चीज़ें मैंने नॉर्मल कर दी, काफ़ी चीज़ें हाई पे रहने दी, और उसके बाद बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन जो मुझे मिला मैंने उसको सेट करके, फिर आगे का ये बेंचमार्क आप देखिए जिस पे मेरे हिसाब से ये बेस्ट सेटिंग है मेरे सिस्टम के लिए अभी के हिसाब से। तो देखिए are gonna see this. Look out the way. Woo, too close. हाँ गाइस, तो ये था हमारा गेम प्ले। और इसके अलावा अगर आपको और गेम प्ले देखना है इस सेटिंग पे इस गेम का, तो आप हमारी स्ट्रीम चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि इन सेटिंग्स को रख के ही मैंने एक स्ट्रीम भी की थी, और उसी स्ट्रीम में मैंने ये सेटिंग की थी, क्योंकि बीच बीच में ये गेम क्रैश हो जा रहा था, और अभी भी इसमें थोड़े बहुत बग्स तो हैं ही, जैसे कि मैंने अभी दिखाया जहाँ पे फ्रैंकलिन अपने घर पे जाता है और वहाँ पे जो है ब्लैक एंड वाइट हो जाता है सब कुछ, तो थोड़े बहुत तो माइनर बग्स हैं इसमें,
जो कि इतना बहुत गेम ब्रेकिंग नहीं है लेकिन अनॉय कर सकते हैं किसी को, तो अपने रिस्क पे इसको इंस्टॉल करना है। तो ये मॉड फ्री लेकिन अभी बेटा टेस्टिंग में चल रहा है, तो इसका मतलब कंप्लीट नहीं है ये। तो बस फिर गाइस अभी के लिए हमारा इतना ही। मेरे ख्याल से मैं तो इस मॉड को अनइंस्टॉल ही कर दूंगा क्योंकि मुझे कोई खास डिफरेंस इतना पता नहीं चला, ऊपर से मुझे गेम के ग्राफिक्स कम करने पड़ रहे हैं। तो इसके बाद मैं देखूंगा कोई और फ्री अगर मुझे ढंग का मॉड मिलेगा। वैसे मैंने देखा है कि रीडक्स मॉड है, तो वो इंस्टॉल करके मैं दोबारा एक और ऐसी वीडियो बनाऊंगा, एक्सपेरिमेंट करता रहूंगा गाइस, और आप देखते रहिए एक्सपेरिमेंट मेरे, मजे लीजिए। तो बस फिर गाइस हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खेलते रहिए, खुश रहिए। सैंडमैन आउट।